दोस्तों कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं दे पाया हूँ, और एक और कारण था कि हमारे कुछ व्यूअर्स की शिकायत थी कि आपकी आवाज़ कहीं और जाती है और वीडियो कहीं और जाता है। तो मैंने भी देखा उनको, तो वाकई में ही कई वीडियो हमारे ऐसे हो गए हैं। तो इसके बारे में कुछ पता किया एक्सपर्ट लोगों से, उन्होंने सलाह दी कि आप इस कंपनी का, एक बोया कंपनी का कोई माइक ले लीजिए। तो ठीक है, वो मैंने कल ही ऑर्डर कर दिया, तो हो सकता है 5-6 दिनों में आ जाएगा। शिपिंग तो हो गई है, लेकिन उन्होंने इंडिया पोस्ट के थ्रू शिपिंग किया है, तो इंडिया पोस्ट वालों को तो आप जानते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए आने में। सामान पहुंचने के बाद भी वो लोग ऐसे ही लापरवाही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे डकवीट के बारे में, और कंफ्यूजन भी है कि डकवीट क्या होता है। दोस्तों, आप अगर गांव के हैं तो फिर तो आपको पता होगा डकवीट क्या होता है, क्योंकि तो पुराने तालाबों में ये अपने आप तिली की तरह ऊपर ही तैरता रहता है, उगा रहता है, लगेगा जैसे तिल तैर रही है, हरा हरा। और अगर कुछ दिन ना निकाला जाए तो बिल्कुल लगेगा कि हरे रंग का कंबल किसी ने तालाब के ऊपर बिछा दिया। बहुत तेजी से बढ़ने वाली चीज है, लगभग 14 से 15 घंटे में ये डबल हो जाता है। दोस्तों, इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम इसको सुखा के रख सकते हैं क्या? तो दोस्तों, आप इसको सुखा के भी रख सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपके पानी में से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी जीव के लिए, किसी भी जीव के लिए, मछली के लिए नुकसानदायक हो, उनको डायरेक्टली पानी में से चूस लेता है। अमोनिया है, अमोनिया को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, यानी आपका पानी जो है बिल्कुल साफ रहेगा मछली की ग्रोथ के लिए। और फायदे हैं कि अगर आपके पास गाय भैंसे पाल रखी है आपने, पशु पाल रखे हैं, तो उनको भी आप चारे के रूप में इसको खिला सकते हैं। इसमें काफी हाई प्रोटीन होता है जो आपकी जानवर के चारे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसमें अगर ड्राई वेट के हिसाब से देखा जाए तो 30 से लेकर 50% तक प्रोटीन होता है, और गीले वेट के आधार पर भी 15% मान लीजिए होता ही है, काफी प्रोटीन हुई है। दूसरा, अगर कोई चिकन वगैरह आपने पाल रखे हैं, मुर्गे पाल रखे हैं, उनको भी आप ये खिला सकते हैं, वो भी काफी खुशी से इसको खाते हैं। और मछलियां तो खैर खाती ही है, मछलियों में आप तिलापिया, कैटफिश और कुछ ग्रास कार्प, इन पे तो हमने प्रयोग किए थे पहले, ये तो बड़े चाव से खाती थी। रोहू वगैरह पे हमने डाले थे, लेकिन खैर रोहू इतना वो साइज जीव है ना कि ऊपर आता नहीं खाने के लिए, तो हो सकता है रात में खाता हो, आंखों से नहीं देखा हमने खाते हुए। दूसरे ये है कि अगर आपने अपने फिश टैंक में या उसके आसपास उगा रखा है इसको, तो मच्छर मक्खी से भी आपका छुटकारा रहता है, क्योंकि मच्छर को अंडा देने के लिए जो गंदा पानी चाहिए होता है, और गंदा पानी उसको मिलेगा नहीं, के ऊपर एक परत बनी रहेगी, तो मच्छर अंडा नहीं दे पाते हैं और उनसे भी काफी हद तक कंट्रोल रहता है। आजकल वैज्ञानिक लोग इसको बायोफ्यूअल के रूप में यूज करने का भी प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग सफल भी हो चुका है, तो हो सकता है कि इसका आगे चल के बायोफ्यूअल के रूप में भी उपयोग किया जाए। जो आप लोग देखते हैं डीजल वगैरह बनते हैं ना पेड़ पौधों से, कुछ टाइप का डीजल बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे इसी से, तो एक ये भी इसका गुण है। और इसका एक और खासियत है कि आपका जो अनयूज स्पेस है, जैसे छत, आपके फिश टैंक की छत, तो आपके लिए अनयूज स्पेस है, तो वहां पर ग्रो हो सकता है। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा जमीन की आपको जरूरत नहीं है, जमीन फंसाने की भी जरूरत नहीं है, तो एक अनयूज जो आपके लिए बेकार जमीन है, बेकार जगह है, उसके ऊपर आप इसको उगा सकते हैं और अपनी मछली चारे का लगभग आधा खर्च बचा सकते हैं। और जो इसका गुण आपको बताया मैंने कि ये अमोनिया को डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और मछली के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह अगर कोई चीज है तो अमोनिया ही है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप इसको उगाते हैं तो आपके फिश के लिए, मछली के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। और भी धीरे धीरे पुराने टैंकों में कई तरह के केमिकल्स वगैरह घुस जाते हैं अलग से, उनको भी ये साफ करता रहता है,
लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दो कि इसको आप डायरेक्ट रियरिंग टैंक में ना उगाएं, जिसमें फिश पाल रहे हैं उस टैंक में डायरेक्टली ना उगाएं। क्यों? रात में, दिन में तो खैर ठीक है, दिन में तो ये खुद भी ऑक्सीजन बनाता है और आप ऑक्सीजन को केयर भी कर सकते हैं, देखते भी हैं, लेकिन रात में किसी वजह से आपकी पावर अगर 1-2 घंटे के लिए कट जाती है तो आपकी मछली के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उधर मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए, बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए और खुद डकवीट भी अगर आपने उसी में उगा रहे हैं तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो तीनों मिल करके ऑक्सीजन का आपको काफी जल्दी कंज्यूम कर लेंगे और वो मछली के लिए और बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह साबित। दोस्तों ये डकवीट के बारे में कुछ बातें थी, तो उम्मीद है आप डकवीट को अच्छी तरह समझ गए होंगे और बीच बीच में आपको छोटी छोटी क्लिप या फोटो के रूप में अलग अलग डकवीट क्या होती है। इसमें डकवीट की लगभग 5-6 वैरायटी होती है, जो हमारे इंडिया में तो मैंने 3 तरह की देखी है और 3 तरह का मैंने उगाया भी था, तो वैसे काफी होता है 3 तरह का भी। इसमें कुछ थोड़ा सा कसैला होता है, कुछ का स्वाद अच्छा होता है, हमने तो खाया भी था और इंसान इसको खाते भी हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो जो भी इसमें से आपको मिल जाए छोटी बड़ी साइज की, इसमें एक तो बहुत छोटी छोटी होती है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जो भी आपको मिल जाए वही आप उगा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहनी थी कि चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, आप ही लोग प्रमोट करेंगे तो चैनल चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ इनका भी भला हो। जो भी हमारे पास जानकारी है वो प्रैक्टिकल जानकारी है और इससे आप भी फायदा उठाए, आपके यार दोस्त भी फायदा उठाए, तो आप कोशिश कीजिए। और काफी लोगों के सोलर के बारे में भी कमेंट आ रहे हैं कि आप सोलर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, कोई पूछ रहा है कितने वाट का पैनल लगेगा। तो दोस्तों ये सोलर बहुत बड़ा विषय है, कोई एक दिन में समझने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन है ठीक है 2-3 वीडियो में समझा देता हूँ आपको। हमारा तो खैर बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, थोड़ा सा घुमाओ कैमरे को दिखा दो, तो देखिए कितने पैनल लगे हुए हैं लगातार। तो और खाली पैनल ही नहीं होते, सोलर सिस्टम बड़ी चीज है, तो ना तो खैर शॉर्टकट में नहीं समझाया जा सकता इसको, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि 3-4 वीडियो में कवर करूं विषय को और आप लोगों को समझा दूं कि डीसी सिस्टम क्या होता है, एसी सिस्टम क्या होता है और आप किस तरीके से पैनलों के थ्रू कितनी पावर पैदा कर सकते हैं, कितने की आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चलाना है, ये सब आपको अगले 16 वीडियो की सीरीज में जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाती है और आप आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।